भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। चुनाव यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं बाजार, मड़ियाहूं तहसील कह सकते हैं, और साथ साथ ये एक विधानसभा भी है। पिछले बार के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन बना था उसके तहत अपना दल को ये टिकट मिला था और लीना तिवारी को अपना दल ने लड़ाया था, जिन्होंने सपा प्रत्याशी को पराजित किया था। यानी लीना तिवारी यहाँ की विधायक हैं। 5 साल में उन्होंने क्या किया, जनता को उन्होंने क्या दिया, क्या जनता की यहाँ पे उम्मीद थी, इन सब सारी चीज़ों पे हम मड़ियाहूं की जनता से बात करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत का जो तापमान है अभी कहाँ पहुँचा है, किसकी हवा है, क्या माहौल है। माहौल चलत बा ठीक, लेकिन अब वहाँ केहू माहौल फिक्स ना बा के जीते, और लीना तिवारी तो एकदम नहीं जीती। का भेल, मतलब काहे न जीती है, कुछ ना की है। माहौल अभी तो जैसे था वैसे ही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि टिकट क्लियर नहीं हो जाता है कि किसको किसको टिकट कौन पार्टी दे रही है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास जो है काफ़ी हद तक हुआ है। जैसे नया पुल बना बसुई पर, रामपुर को नगर पंचायत बनाया गया, लगभग दर्जनों ट्यूबवेल लगवाए गए सिंचाई के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है कई स्थानों पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। तो ऐसा नहीं है, सड़कें बिछा बनी, बिजली की समस्या दूर हुई जो पहले 4 घंटे। आओ दादा, ये भैया तो बड़े काम गिना गए हो, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। हमसे अखिल नल मांगे साहब, मिलवा नहीं की, सब बताओ कैसे काम हो। आपको नल नहीं मिला तो इसका मतलब आपने सारे काम पे एकदम जौन जरूरत रही नहीं मिली, हमें तो खाली नल ही चाहता। इनको नल नहीं मिला इसलिए थोड़ा नाराज हो गए हैं। काम बहुत हुआ है सर, हमारे मार्केट रोडवेज पास हुआ है, सरकारी यहाँ रोडवेज नहीं था पहले। अब जाम की सबसे बड़ी समस्या जमालापुर का पुल हुआ करता था, जो कि सरकार ने पुल को पास स्वीकृत किया, पुल का काम तेजों में चल रहा है। जंघई से लेके जफराबाद तक रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। पहली बात तो विद्युतीकरण नहीं हुआ था इसका सबसे मुख्य। इनके अनुसार काम हुआ है भैया को, उनको चूंकि चापाकल नहीं मिला इसलिए एकदम बड़े गुस्से में है, लाल 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 पीला, स्वाभाविक है, पानी नहीं मिलेगा तो भाई प्यासे रहेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है ये भदोही रोड, ये अब तक ये सही नहीं होता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भदोही वाला रोड इतना खराब है, जमालापुर में इतना खराब है, क्योंकि वहाँ ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का हफ्ते में 3 दिन जाना होता है, लोग बिजनेस मैन है, हम लोग मतलब हम लोग का गुटखा का व्यापारी हम लोग हैं, तो इसलिए मतलब जाना आना वहाँ बहुत भारी पड़ता है। रामपुर का समस्या से हल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, समझ लो मेन। हाँ, आपके इस बात से तो हम भी सहमत हैं, इस रोड से हम भी आए हैं, थोड़ा तकलीफ हमको हुआ है, ये बताइए आप। नहीं, आप भी सही कह रहे हैं कि ये रोड हम लोग जब से पैदा हुए हैं आज तक इसका कोई सुधार नहीं, सरकार तमाम आई हो गई लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या करेगी? अब देखिए, चुनाव के टिकट मिलने के बाद ही लोग समझ पाएंगे कि कौन किधर जा रहा है। प्रयास है कि इस बार सपा 2022 में यहाँ से अपने विधायक, टिकट मिलने के बाद तो प्रत्याशी डिसाइड होगा, लेकिन ये तो डिसाइड है ना कि चारों पार्टियां लड़ रही हैं। हाँ, लेकिन सपा पे ज़्यादा लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, देखिए क्या होता है। अच्छा, ये सपा जो है अभी अखिलेश यादव तमाम लोगों से, पिछड़ी जाति लोगों से गठबंधन कर रहे हैं, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? अब बहुत असर पड़ेगा, बस सब एक हो जाएंगे तो उम्मीद यही दिखाई दे रहा है कि सपा जीतेगी इस बार। सपा पुलवामा से आएगी, सपा का उम्मीद है पूरा, एकदम चांस है कि सपा आएगी इस बार सपा की सरकार अखिलेश। हाँ, इस आधार पर क्योंकि उसने विकास किया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत सुविधा दिया है और कॉलेज वगैरह की बहुत किया है अखिलेश ने, इसलिए अखिलेश इस बार आएंगे, अखिलेश का हम लोग समर्थन कर रहे हैं बस जी। आप लोग बताएं क्या लगता है, अभी जो है राजनीति का बयार है किस ओर जा रहा है? जी सर, अभी तो समाजवादी पार्टी की बहुमत से आने का चांस है, और बाबा जी ने तो कुछ किया नहीं 5 साल, 4.5-5 साल में। अरे इतना काम हो गया बाबा जी, अभी आप कह रहे कम हो नहीं? हाँ, विकास पगला गया है, खेतों में सांड पड़े हैं, रोड की स्थिति देख लीजिए, बनारस की रोड देखिए, अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे अभी ये नया बना है एक,
उस पर देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से होके बुलंदशहर आगरा हर एक जगह से कहाँ नहीं, ये आप यहीं देख रहे हैं ना, तो वो बात यूपी की हो रही है ना, तो यूपी अलग नहीं है, बहुत काम हुआ है। बाबा जी फिर से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं। उनका कहना है कि बाबा जी बहुमत से आए हैं, लोगों को लग रहा है कि काम नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, हम इसमें चाय की अड़ी पे बैठे हुए हैं। भाजपा जो कर रही है एक प्रकार से ठीक ही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। जो आवास आवास जो मिली है 2.5-2.5 लाख रुपए की, और संडास आवास भाजपा ने दी है, वो गलत नहीं दी है। भाजपा ने विकास किया है, जो भी किया है गलत नहीं किया है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा महंगाई देखिए, उल्टा फेर होता है महंगा सहत होता ही भी रहता है। ऐसा है कि जो कर रही भाजपा एकदम नंबर एक काम कर रही है। हवा किसकी चल रही है इसमें? तो भाजपा चल रही है, भाजपा हवा चल रही है यहाँ पे। मनुष्य की मानसिकता इतनी बदल चुकी है, इसी जानवर से बछिया औरत उसको जिला ले रहे हैं, अब बछवा औरत छोड़ दे रहे हैं, कह रहे योगी सचिवालय से भेज रहे हैं। अरे पहलवा ये क्या तू सोचे यार, उसके पहले कहाँ जाता था? जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही है, पहले तो नहीं आप फ्री खाए हुए हैं, वही सोच रहे हैं गुंडाई खत्म हो गई है। गुंडाई तो खत्म हो गई इस राज्य में, जिसकी गुंडाई नहीं चल रही वही कह रहा सरकार एकदम सही नहीं है। हाँ भैया ये तो कहा गया, गुंडाई खत्म कैसे हो गई है? हर जगह जहाँ देखिए मॉबलिंचिंग हर जगह हो रहा है, गुंडाई खत्म हो गई है। काम तो हुआ है लेकिन कहीं कहीं सड़कें इतनी खराब हैं, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस वही चीज़ है कि काम तो योगी महाराज ही जाएंगे, लेकिन काम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा विधायक लोग को, ताकि जो गांव का विकास, जो गांव का रोड खराब है वो रोड सही होना मांगे। देखिए अगर मड़ियाहों विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मड़ियाहों में अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधायक जो बनते हैं एक बार चुने जाते हैं उसके बाद दोबारा जनता हटा देती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से मड़ियाहों की बात की जाए तो जो स्थानीय विधायक हैं अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका काम जो है कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ देखा जा रहा है जो भदोही और जौनपुर का मार्ग है, उससे न बनने के कारण कहीं ना कहीं काफ़ी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये लुम्बनी दुद्धी मार्ग को जोड़ता है, इससे हजारों वाहनों का आवागमन होता है, और यही एक मार्ग है जो विंध्याचल और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। मुख्य रूप से जो मड़ियाहू में जो देखने को मिला, जो जानने को मिला, वो यही समझ में आ रहा है जो विकास की बात है, विकास से तो जनता काफ़ी हद तक संतुष्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ की सड़क, जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जा रही है, वो गड्ढा मुक्त जो सड़कें हैं वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही हैं। ये सब छोटे छोटे जो तमाम मुद्दे हैं वो मुद्दे की बात है, ये मुद्दे बने ही रहेंगे, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ की जनता कुछ एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक संतुष्ट है। सड़क यहाँ की एक प्रमुख समस्या है जो भदोही से जौनपुर को जोड़ती है, अगर उसको दुरुस्त कर दिया जाए तो लगभग सारी चीज़ें हैं। ये बात अलग है कि तमाम जो अलग अलग दलों के समर्थक हैं वो अपने टेम्पू जो है उसी को हाई किए रहते हैं, और स्वाभाविक है चुनाव का मौसम है, अब हाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मुलाकात होगी किसी अगले विधानसभा में।